तो सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, आज फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी और इस सबके बीच कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, सुनते हैं। मिलता नहीं है, 7 दिन तक वहां बैठे रहते हैं लोग, घर के अंदर तंग करते हैं, कोई मिलता भी नहीं वहां पर। 1700 रेड हुई अभी तक, 0.5% इनका अभी तक कार्रवाई संभव हुई इनसे, 0.5%। आप सोच सकते हो कितने लोग दुखी हुए होंगे, तो ये समझ क्यों नहीं पा रहे। तो मैं कहा ये तीनों को जाना चाहिए मिलकर के, सीबीआई के डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर और सीबीडीटी के चेयरमैन को जाके प्रधानमंत्री जी कहे, उनको बताए हकीकत। हो सकता उनके पास में ये फीडबैक नहीं आ रहा हो जो मैं कह रहा हूँ आपको, कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। ये प्रीमियर एजेंसी होती है हमारी, देश के लोगों को विश्वास होता है इनके ऊपर। अगर ये इनकी साख खत्म हो जाएगी तो देश की दिशा में जाएगा, ये स्थिति बनी हुई है। तो वक्त ये आ गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने मांगने टाइम मांगा उनसे, मैं खुद मिलना चाहता हूँ आप लोगों से, तीनों से, सीबीआई डायरेक्टर से, इनकम टैक्स के चेयरमैन से, सीबीडीटी के और ईडी के डायरेक्टर से। मैंने कहा मैं जाके बताऊँ उनको कि देश क्या सोच रहा है आपके बारे में। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री चुना हुआ हूँ, क्या मेरा एक नागरिक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये दायित्व नहीं है, या मेरे अधिकार नहीं है क्या मैं जाके इनसे बात कर सकूँ। टाइम मांगा मैंने, टाइम नहीं दिया गया। पहले फोन आए मेरे पास में, सीबीआई से भी आए, उसके बाद में अचानक वहाँ पर मना कर दिया गया। बताइए, इनकम टैक्स से आए, वहाँ पर मना कर दिया, नहीं हम आपसे खुद मिलेंगे आकर के। तो मैं उनकी बात कह नहीं पा रहा हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनसे बात पहुंचा रहा हूं। आप जाके मिल लीजिए, मेरी भावना वही जो मैं यहाँ बोल रहा हूं। आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलो, अमित शाह जी से मिलो और बताओ हकीकत क्या है। वित्त मंत्री से मिल लो, ये आपकी ईडी जो आती है वित्त मंत्री के अधीन आती है। ईडी ने आतंक मचा रहा देश, आतंक मचा रखा देश के अंदर ईडी ने। ईडी के पावर पावर वो है ईडी के पास में जो ना सीबीआई के पास में है और ना इनकम टैक्स के पास में है। ईडी के पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, किसी को अरेस्ट करना हो, संपत्ति जब्त करनी हो, बयान देना हो, तो इनको इतनी पावर मिल गई है। अब कैसे मिल गई है वो एक अलग विषय हो सकता है, इतनी पावर किसी एजेंसी को मिलना खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों SLP हो चुकी है ईडी के बारे में, ये अरेस्ट नहीं कर सकती इस प्रकार से। CRPC के प्रोसेस को इनको फॉलो करना चाहिए। CRPC का प्रोसेस ये है, अगर 15 साल से नीचे कोई उम्र का है व्यक्ति, लड़के लड़की हैं, उनको आप नहीं बुला सकते हो। महिलाएं हैं उनको नहीं बुला सकते हो, जाके बात करनी पड़ती है आपको, CRPC के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले हैं, तब भी ईडी नहीं मान रही उनको, ईडी अपने आप को अलग ही मानती है। इसलिए आज बार बार सोनिया जी को बुलाना, पहले राहुल गांधी जी 5 दिन तक बुलाना, मैंने तो कभी सुना नहीं तैयार के अंदर 5 दिन तक बुला के 50 घंटे पूछताछ करो, क्या करते पूछताछ। इनके पास अब रिकॉर्ड है, नेशनल हेराल्ड का रिकॉर्ड जो आज़ादी के पहले का अखबार, हमारा खुद का अखबार है, कांग्रेस का अखबार है, पंडित नेहरू को स्थापित किया अखबार है। अगर उसमें हम लोग उसको ठीक करना चाहें, हम भी चाहें अखबार वापस कमज़ोर हो गया है, जो आजकल कमज़ोर हो ही जाते हैं मीडिया वाले, कि एक बार रिवाइव करें। हमारी योजना थी, AICC ने उनको लोन दिया 90 करोड़ का, 100 बार में दिया लोन, उनको क्या तकलीफ है। नई कंपनी बनाई, इसको नए ढंग से सिस्टम जमाए, जिससे कि नए सिरे शुरुआत हो सके। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में लाखों कंपनी नहीं बनती है, शेयर ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर इस प्रकार बुलाने लगोगे तो आपका जगह ही नहीं है, इतने आदमी नहीं है हिंदुस्तान भर के, लोगों को बुला बुला के आप जो काम सोनिया जी को, राहुल गांधी को बुला के पूछ रहे हैं, वो अगर पूछने लग गए आप लोग, ऐसी हजारों नहीं लाखों कंपनी है। तो आप सुन रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो सीधे सीधे सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं, ये कहते हुए कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। बड़ी आबादी ये है शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये है इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमंत दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।